हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नया पैदा हैंडीक्राफ्ट। आज यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर वन कलर में जाली लेकर आई हूँ। ये जाली आप बच्चों के स्वेटर पर बना सकते हैं, इसे आप ब्लाउज में भी बना सकते हैं। देखिए ब्लाउज में काफ़ी अच्छा लगेगा, इसे हम बाजू पर बनाएंगे और ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर मैंने 14 फंदे इसमें लिए हैं और ये देखिए 3 फंदों में एक डिज़ाइन कम्प्लीट होगा और 3 सिलाइयों में एक जाली कम्प्लीट होगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं जाली बनाना। तो देखिए यहाँ पर मैंने 14 फंदे लिए हैं, एक एक फंदे दोनों साइड से एक्स्ट्रा लिए हैं। और अभी देखिए क्या करना है, अभी यहाँ पर पहले एक फंदा सीधा बुन लेना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा उल्टा बुनना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा सीधा बुनना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा उल्टा बुनना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा जो एक्स्ट्रा है इसे भी सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर पीछे से देखिए, पीछे से यहाँ पर एक फंदा जो एक्स्ट्रा है उसे उल्टा बुनना है और यहाँ पर 3 फंदा जो जाली वाला है उसे उल्टा बुनना है। यहाँ पर 4 फंदे हो गए उल्टा और यहाँ पर 3 फंदा सीधा बुन लेना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा उल्टा बुनना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा जो एक्स्ट्रा है उसे हमें उल्टा बुन लेना है। और अभी ये आगे से यहाँ पर ये जो फर्स्ट जाली होगा वो 2 सिलाई के बाद होगा, यहाँ पर एक फंदा सीधा पहले बुनना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा उल्टा बुनना है। यहाँ पर देखिए पूरा सीधा बुनना है, ये यहाँ पर ये जाली बनेगा, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 फंदा सीधा बुन लिया मैंने, फिर उल को आगे करना है और देखिए इस फंदे को इस सिलाई पे ले लेना है, फिर यहाँ से ये जो लास्ट वाला फंदा है उसे पहले लेना है और पहले वाले फंदे को पीछे कर लेना है, ऐसे करके फिर इसी सिलाई पे वापस दोनों फंदों को कर लेना है और इस फंदे तीसरे फंदे को भी इस पे वापस कर लेना है और तीनों फंदों को जाली बनाते हुए एक करना है और फिर उल आगे करना है और जाली बनाते हुए यहाँ पर बुनना है, बुन लेना है। देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे यहाँ पर मैंने घटाए हैं और यहाँ पर 2 फंदे जाली बन गए, तो फंदे मैनेज हो गए। अब यहाँ पर देखिए उल आगे करना है और फिर इसको ऐसे करके आगे की तरफ करते हुए इस सिलाई पर लेना है और फिर पीछे वाले को आगे और आगे वाले के पीछे कर लेना है, फिर इसको इस पर वापस करके जाली बनाते हुए यहाँ पर तीनों फंदों को एक करना है, फिर उल आगे करना है और जाली बनाते हुए यहाँ पर फंदा बुन लेना है। अब यहाँ पर देखिए फंदे मैनेज हो गए, यहाँ पर भी 2 फंदे घटे हैं, 2 जाली बन गए, फंदे मैनेज हो गए, यहाँ पर भी सेम हुआ है वैसे ही। अब देखिए क्या करना है, अब पीछे से एक फंदा यहाँ पर उल्टा बुनना है और फिर अभी यहाँ पर 1 2 एंड 3 जहाँ पर जाली बना है वहाँ पर सीधा बुनना है, फिर यहाँ पर उल्टा बुनना है 3 फंदा यहाँ पर, फिर उल को पीछे करके 3 फंदा सीधा बुनना है, फिर उल को आगे करके 3 फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा और एक्स्ट्रा इसे भी उल्टा बुन लेना है, 4 फंदा। यहाँ पर जाली कंप्लीट हो गया एक आगे से और पीछे से एक सिलाई। फिर अब यहाँ पर आगे से देखिए, आगे से यहाँ पर सेम बुनना है, सीधा पर सीधा और उल्टा पर उल्टा, यहाँ पर 4 फंदा सीधा है तो 4 फंदा पहले सीधा बुनना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा उल्टा है तो उल्टा बुनना है और फिर यहाँ पर 3 फंदा सीधा बुनना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा यहाँ पर सीधा है जो लास्ट वाला इसे सीधा बुनना है। और अब देखिए यहाँ पर एक फंदा उल्टा, 3 फंदा यहाँ पर सीधा होगा, ये 3rd सिलाई है और उसके बाद यहाँ पर 3 फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर 3 फंदा सीधा बुनना है और फिर यहाँ पर 3 फंदा उल्टा बुनना है
और एक फंदा जो एक्स्ट्रा है इसे भी उल्टा बुन लेना है। जहाँ पर ये देखिए थ्री सिलाई हो गया, फोर सिलाई में तक जाली बनेगा, हर फोर्थ सिलाई में जाली बनेगा। यहाँ पर पहला जाली यहाँ पर बना है और सेकंड जाली यहाँ पर बनेगा, एक जाली यहाँ पर पहला और सेकंड जाली यहाँ पर, फिर थर्ड जाली यहाँ पर बनेगा। तो देखिए पहले सीधा बुन लेना है, जैसे फर्स्ट जाली बना है वैसे ही बनेगा। फिर इसे इसको इस पर ले लेना है और फिर इन दोनों को ऐसे करके फिर वापस इस सिलाई पे करके और इसको भी करके उल को आगे करते हुए जाली बना लेना है। तीनों फंदों को एक करना है, फिर उल आगे करना है, जाली बनाते हुए यहाँ पर थ्री फंदा बुन लेना है, फिर उल आगे करना है और इसे सीधा करके इस पर करना है और पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे करके इस पर कर देना है। फिर इसे भी ऐसे करके तीनों फंदों को एक कर देना है यहाँ पर, फिर उल आगे करना है, जाली बनाते हुए यहाँ पर फोर फंदा सीधा बुन लेना है। फिर अब देखिए पीछे से, अब फिर यहाँ पर एक जाली कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पीछे से यहाँ पर ये थर्ड जाली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फोर फंदा उल्टा बुनना है, फिर यहाँ पर थ्री फंदा सीधा बुनना है, फिर यहाँ पर थ्री फंदा उल्टा बुनना है, फिर यहाँ पर थ्री फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा यहाँ पर उल्टा बुनना है। और यहाँ पर देखिए टू सिलाई और बुनने के बाद यहाँ पर ये जाली स्टार्ट होगा। देखिए फोर्थ सिलाई की ये जाली है, ये बाजू पे ब्लाउज के बाजू पे ये काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर आप चाहें तो इसे पूरे ब्लाउज में भी दे सकते हैं। ये काफ़ी छोटा और इजी ब्लाउज ये जाली है, इसे आप बच्चों के स्वेटर पे भी बना सकते हैं, बेबी स्वेटर पे। देखिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।